नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले देखिए, अगर आपको इन लेक्चर से रिलेटेड कुछ भी पूछना होता है तो आप मुझको इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर लीजिए और इंस्टा आईडी का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इससे पहला वाला जो लेक्चर था उसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, तो उसमें देखिए हमने प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा था और प्रायद्वीपीय पठार को हमने पांच पार्ट्स में डिवाइड किया था, ठीक है। जो प्रायद्वीपीय पठार है उसको हम लोगों ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? पांच पार्ट्स में, ठीक है। प्रायद्वीपीय द्वीपीय पठार, तो इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था हमने? हमने इसको डिवाइड किया था पांच पार्ट्स में, ठीक है। तो वो पांच पार्ट कौन-कौन से थे? अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर देखा था तो आप लोगों को याद होगा। देखिए, पहला था इसमें मध्यवर्ती उच्च भूमि, ठीक है। पहला क्या था? मध्यवर्ती उच्च भूमि। दूसरा था इसमें, ठीक है, पूर्वी पठार, पूर्वी पठार। तीसरा क्या था इसमें? तीसरा था दक्कन का पठार, ठीक है, डेक्कन जो ट्रैप बोलते हैं, ठीक है, दक्कन, दक्कन का पठार, ठीक। कभी कभार मैं पठार को पठान भी लिख देता हूँ, हाँ, तो अगर कहीं ऐसे लिखने में गलती हो तो उसके लिए माफ करना। देखिए, तीसरा क्या था? दक्कन का पठार था। उसके बाद था पश्चिमी घाट, उसके बाद क्या था? पश्चिमी घाट, ठीक है। और लास्ट जो था वो था पूर्वी घाट। इतना हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है, पूर्वी घाट। तो आज हमने स्टार्टिंग करनी है किससे? मध्यवर्ती उच्च भूमि से, जैसा कि हम लोग की हेडिंग है मध्यवर्ती उच्च भूमि, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ने स्टार्टिंग करनी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें मध्यवर्ती उच्च भूमि। देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं यहाँ पे को बताते जाऊँगा, हो सके तो आप लोग मेरे साथ साथ क्या कर लेना, नोट कर लेना, ठीक है। तो इसमें पहला है हमारा क्या? मध्यवर्ती उच्च भूमि। एक एक करके सारे पार्ट पढ़ने हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों से बोला था कि ये जो, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत वाला हिस्सा है ये थोड़ा सा लंबा होगा, ये दो तीन लेक्चर में जाएगा, ठीक है। मध्यवर्ती उच्च भूमि, देखिए मध्यवर्ती उच्च भूमि में सबसे पहले आप देखिए कि ये, ठीक है, कहाँ कौन सा रीजन है मध्यवर्ती उच्च भूमि का। देखिए, अरावली से सतपुड़ा तक की जो पर्वत श्रेणी है उसके बीच का जो भाग आता है उसको क्या बोला जाता है? मध्यवर्ती उच्च भूमि बोला जाता है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? अरावली से लेकर, ठीक है, सतपुड़ा जो रेंज है वहां तक, ऑलमोस्ट इसके बीच का भाग। तो ये बनेगा आप लोगों का क्या? ये बनेगा अरावली से, अरावली से, ठीक है, कहाँ तक? अरावली से सतपुड़ा, सत क्या लिख दिया, सतु। अरावली से क्या हो गए? सतपुड़ा, ठीक है, अरावली से सतपुड़ा। पर्वत श्रेणी के बीच का जो रीजन होता है उसको क्या बोला जाता है? मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंदर रखा जाता है, ठीक है। अरावली से सतपुड़ा के मध्य का क्षेत्र, सतपुड़ा के मध्य का, ठीक है, मध्य का क्षेत्र। शॉर्ट नोट्स बना लेना आप लोग भी, अरावली से सतपुड़ा के मध्य तक का क्षेत्र। अब देखिए, अब मैंने आप लोगों को बताया था अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ पे को है,
देखिए, अगर ज्योग्राफी सीखनी है ना तो मैपिंग के साथ तो सीखनी ही पड़ेगी, बिना मैप के आप लोग ज्योग्राफी नहीं सीख सकते। तो इसमें मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगा और कुछ चीज़ें आप लोगों ने खुद भी ट्राई करनी होंगी। तो देखिए, ये है अरावली पर्वत श्रेणी। अब मैं इसको ऐसे ही लिख दूंगा। हाँ, फिलहाल एक काम करते हैं, कुछ हिस्से को हम लोग डिलीट कर देते हैं, ठीक है। देखिए, फिलहाल मैं इतने हिस्से को डिलीट कर देता हूँ। हाँ, जो जो है उसी को रखते हैं, ठीक है, क्योंकि अब ये यहाँ पे को मैपिंग में नाम वगैरह भी लिखने हैं, तो फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए, ये है अरावली पर्वत श्रेणी, ये जो दिख रही है ना, ठीक है, ये वाली है। तो ये वाली क्या है? अरावली पर्वत श्रेणी। अब आप लोगों का काम क्या है? आप लोगों का काम है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को ढूंढ के मैप में लोकेट करना। तो अरावली से सतपुड़ा के बीच का जो भी हिस्सा आएगा ना, वो क्या होगा? ठीक है, मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंदर रखा जाएगा। तो अरावली ये हो गई। अब आप लोगों का काम है ढूंढना कि सतपुड़ा कहाँ पे को है। आप लोग मैप में देखिए कि सतपुड़ा कहाँ पे को है। मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, खाली ये एग्जाम्पल है ना, यहाँ पे को है नहीं, ये एग्जाम्पल है। मान लीजिए यहाँ पे को सतपुड़ा है, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ से लेके ये इसके बीच का जो भाग आ जाएगा, ये क्या होगा? ठीक है, किसके अंदर रखा जाएगा? मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंदर रखा जाएगा। तो आप लोगों ने करना क्या है? आप लोगों ने ढूंढना है कि सतपुड़ा कहाँ पे को है, ठीक, ये आप लोगों का काम होगा। तो ये आ गई क्या? अरावली पर्वत श्रेणी। तो अरावली से सतपुड़ा के बीच का जो रीजन होगा वो क्या होगा? मध्यवर्ती उच्च भूमि का होगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो मध्यवर्ती उच्च भूमि है ना, इसमें हम लोग ने सबसे पहले पढ़ना है अरावली पर्वत श्रेणी को, ठीक। इसमें सबसे पहले क्या करना है? अरावली, अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में हमने पढ़ना है। तो यहाँ से क्या होंगे? कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे आप लोगों के, क्योंकि ये अरावली पर्वत श्रेणी क्या है? मध्यवर्ती उच्च भूमि का ही भाग है। तो हमने किसको पढ़ना है? अरावली पर्वत श्रेणी को पढ़ना है, ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी। देखिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इसको याद भी रखना। भारत की जो सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी है, ठीक है। ये क्या है? भारत की, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, हाँ, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, ठीक है, सबसे प्राचीन। और पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि अरावली पर्वत श्रेणियाँ कहाँ कहाँ तक फैली है। ये है अरावली पर्वत श्रेणी। सबसे ज़्यादा इसका जो भाग है वो राजस्थान में है, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक फैली है ये मैंने आप लोगों को बताया था, तो हो सके तो वो वीडियो आप लोग जरूर देख लेना। तो ये भारत की सबसे प्राचीन क्या है? पर्वत श्रेणी है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी है, ठीक हो गया। अच्छा, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है अरावली पर्वत श्रेणी। तो सबसे सॉरी, विश्व की सबसे प्राचीन क्या होगी? तो शायद आप लोगों को पता होगा कि विश्व की जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है, ठीक है। ये है दक्षिण अफ्रीका की बारबर्टर ग्रीनस्टोन बेल्ट, ठीक। चलिए, मैं इसको दूसरा पॉइंट यहीं पे को लिख देता हूँ। देखिए, विश्व की जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, विश्व की सबसे प्राचीन। और देखिए, अगर कभी वीडियो में कहीं पे कोई गलती हो जाती है ना, अब देखिए जैसे मैंने किया है, मैं कुछ बुक्स को पढ़ के, ठीक है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब कभी कभार क्या होता है कि बुक्स में भी मिसप्रिंट होता है, या फिर कभी कभार हो सकता है कि मुझसे कोई गलती हो जाए। तो अगर कुछ भी ऐसा होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये चीज़ गलत हो रही है, तो मैं कोशिश करूँगा उसको सुधार देने की, ठीक। और जितना मुझसे हो पाता है, मैं जो फैक्ट है उसको चेक करते ही रहता हूँ। फिर भी उसके बाद भी क्या होता है, देखिए, ह्यूमन एरर है ना, अब ह्यूमन एरर कहीं भी हो जाता है, ठीक है। तो एकदम एग्जैक्ट तरीके से ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मैं हर एक चीज़ ठीक ही बताऊँ। तो कभी कभार क्या होता है, बुक में मिसप्रिंट हो सकता है, कभी कभार क्या होता है कि मैंने जो पढ़ा शायद पढ़ने में कोई मिसप्रिंट हो गया। तो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझको बता दीजिए, ठीक। तो देखिए, विश्व की जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, प्राचीन पर्वत श्रेणी ये कौन सी है, ठीक
ठीक है, ये है दक्षिण अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका की, ठीक, बारबाटर ग्रीन स्टोन, बार बार्टर, ठीक, ग्रीन स्टोन, बार्टर ग्रीन स्टोन, बार्टर ग्रीन स्टोन पर्वत श्रेणी, ये क्या है, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। ठीक, अब देखिए ये जो अरावली सॉरी ये जो ठीक है अरावली पर्वत श्रेणी है ना, ये कहाँ से कहाँ तक गई है, ये देखिए, ये यहाँ से ना ये गुजरात से लेके कहाँ तक पहुँच जाती है, इधर दिल्ली तक पहुँच जाती है। तो गुजरात से लेके दिल्ली तक का जो रीजन है वहाँ तक क्या है, अरावली पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। तो इनका जो विस्तार होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, ये होगा इनका विस्तार, ठीक है, विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, देखिए यहाँ इधर पे को देखिए, ये लगभग ये गुजरात के आसपास आ गए और यहाँ से दिल्ली के आसपास चले गए, ठीक, गुजरात से दिल्ली तक, गुजरात से कहाँ तक है, दिल्ली तक फैली है, ठीक है, कौन सी, अरावली पर्वत श्रेणियाँ, ठीक, गुजरात से दिल्ली तक। और देखिए वीडियो में इतना स्लोली बनाता हूँ ताकि आप लोगों को ना वीडियो एक बार देख के ही रट जाए, और एग्जाम के टाइम पे आप लोग क्या करो कि वीडियो को 2x की स्पीड में रखो, और एक वीडियो को क्या है कि हर वीडियो को एक एक बार देख लो, ये फैक्ट आप लोगों के दिमाग में एकदम छप जाएंगे। अगर आप लोगों ने शुरू से ये वीडियो सीरीज देखी है तो क्या है कि आप लोगों ने देखा और थोड़े बहुत नोट्स बनाए, और एग्जाम के टाइम पे क्या होगा कि 2x की स्पीड में रखो और फटाफट क्या कर लो, एक बार सारे वीडियोस को क्या कर लो, देख लो, तो फैक्ट आप लोगों को एकदम याद हो जाएंगे। तो इसका जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, गुजरात से दिल्ली तक। तो दिल्ली के नज़दीक ये जो श्रेणियाँ हैं ना, इनको दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है, ठीक है, दिल्ली के नज़दीक इनको किस नाम से जाना जाता है, दिल्ली में इनको, ठीक है, दिल्ली में इनको दिल्ली रिज, दिल्ली रिज, दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है, ठीक है, दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं, तो एक चीज तो ये हो गई। अब इसकी जो अधिकतम लंबाई है, अब जैसे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं ना कि अरावली पर्वत श्रेणियों की अधिकतम लंबाई कहाँ पे को है करके, ठीक है, इनकी अधिकतम जो लंबाई है, ठीक है, अधिकतम लंबाई, इनकी अधिकतम लंबाई कहाँ पे को है, इनकी अधिकतम लंबाई है कहाँ, राजस्थान में, ठीक, सबसे ज्यादा जो भाग है इनका कहाँ पे को पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है, ठीक। और हाँ, अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की, ठीक, एक मिनट रुकना, हाँ थोड़ा सा मेरे को बैठने में यहाँ पे को दिक्कत है थोड़ी सी। अरावली की, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी, देखिए ये क्या है, गुरु शिखर, ठीक है, गुरु, गुरु शिखर, ये क्या है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और ये कहाँ पे को है, ये है माउंट आबू के पास, माउंट आबू, माउंट आबू, ठीक है, तो कमेंट में बताना एक बार कौन कौन है माउंट आबू से, ठीक, माउंट आबू। और ये माउंट आबू क्या है ना, ये राजस्थान का एकमात्र क्या है, सबसे फेमस चीज, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन क्या है,
माउंट आबू, ठीक है। माउंट आबू क्या है? माउंट आबू, ठीक है, ये क्या है? राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। एकमात्र हिल स्टेशन कहाँ का? राजस्थान का। आप जब नोट्स बनाओगे तो पूरा पूरा लिख लेना है, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन करके, ठीक है, हिल स्टेशन, ठीक। माउंट आबू क्या है? राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। तो देखिए क्या क्या इसके बारे में फैक्ट हो गए। जो मध्यवर्ती उच्च भूमि है उसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा अरावली पर्वत श्रेणी को, ठीक है। ये क्या है? भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है। एक क्या? सबसे प्राचीनतम ही है, ठीक है। अरावली क्या है? भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, ठीक हो गया। और तो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? ये है दक्षिण अफ्रीका की बार्बरस्टोन, बारबरट, सॉरी बारबटर, हाँ बारबर बारबटर। ये दक्षिण अफ्रीका वाले नाम भी कितने खतरनाक रख देते हैं, बारबटर बोलने में जो जीभ है ना वो पलट ही नहीं पा रही है। बारबटर ग्रीन स्टोन, ठीक है, बार बर्गर टाइप का लग रहा है। बारबटर ग्रीन स्टोन, ठीक है। तो इसका जो विस्तार है ये कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात से दिल्ली तक है। तो दिल्ली के नज़दीक ये जो रीजन है ना इसको क्या बोला जाता है? दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अधिकतम लंबाई कहाँ पे को है इसकी? राजस्थान में है। और अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? गुरु शिखर है, जो माउंट आबू में है, ठीक। और माउंट आबू क्या है? ये राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, ठीक। साथ साथ ही देखिए यहाँ जो माउंट आबू है ना, माउंट आबू में एक बड़ा फेमस मंदिर है, उसका नाम क्या है याद है आप लोगों को? दिलवाड़ा मंदिर। ये माउंट आबू वाले ज़्यादा जानते होंगे, ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर। तो ये कहाँ पे को है? माउंट आबू, ठीक, माउंट आबू। और हाँ गोरम घाट, गोरम घाट, गोरम घाट, बताइए क्या है गोरम घाट? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए मैं ही बता देता हूँ गोरम घाट। देखिए गोरम घाट क्या है ना, इसको राजस्थान का कश्मीर भी बोला जाता है, ठीक है, राजस्थान का, राजस्थान का कश्मीर भी इसको बोला जाता है, ठीक, किसको? गोरम घाट को। देखिए सारे के सारे फैक्ट हैं, इतना आप लोग याद रखना। किसके बारे में? अरावली रेंज जो है, ठीक है, अरावली रेंज, इसके बारे में इतने फैक्ट तो आप लोग याद रख ही लेना, इसमें से एग्जाम में आएंगे, ठीक है। कौन कौन से? विश्व की सबसे प्राचीन, ठीक है, ये क्या हो गई? विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी हो गई, और सॉरी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी हो गई। विश्व की कौन सी हो गई? बारबटर, ठीक है, बारबटर ग्रीन स्टोन। विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात से दिल्ली तक, ठीक है। अधिकतम लंबाई कहाँ पे को है? राजस्थान में, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ पे को है? माउंट आबू में, ठीक है। माउंट आबू में दो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी, ठीक है। और ये क्या क्या है? एक तो ये एकमात्र हिल स्टेशन है राजस्थान का, दूसरा दिलवाड़ा मंदिर यहीं पे को है, ठीक। और यहीं पे को और क्या है? गोरम घाट, इसको क्या बोलते हैं? राजस्थान का कश्मीर बोलते हैं। अब देखिए अगर राजस्थान का कश्मीर बोलते हैं तो ये कहाँ होगा? ऑब्वियसली राजस्थान में ही होगा, ठीक है। तो ये मत बोलना कि राजस्थान का कश्मीर किसको बोलते हैं, ठीक है, गोरम घाट को, और गोरम घाट ठीक कन्याकुमारी में स्थित है, इस टाइप का मत करना है, ठीक। नाम अगर राजस्थान का कश्मीर बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली वो कहाँ पे को होगा? राजस्थान में ही होगा। अगर दो में से एक फैक्ट भी याद है ना तो आंसर के नज़दीक पहुँचा जा सकता है, ठीक है। तो ये है आप लोगों का गोरम घाट, और इसको बोलते हैं राजस्थान का कश्मीर। चलिए उसके बाद दूसरा आता है मालवा का पठार। अगला हमारा क्या है? मालवा का पठार, ठीक।
मालवा का पठार। तो अरावली पर्वत श्रेणियों के बारे में इतने फैक्ट आप लोगों क्या कर लेना, रट लेना एकदम, मतलब कि ये बेसिक फैक्ट है। और एग्जाम में आप लोगों को पता ही है आजकल कितना डीप पूछ रहे हैं, खासकर अब ये जो राजस्थान वाले बच्चे हैं तो उनका तो फिर ये अपना ठीक है राज्य के विषय में पूछा ही जाता है। तो देखिए अब यहाँ पे को थोड़ी सी मैपिंग करें, चलिए इतने रीजन को तो एक बार डिलीट कर ही देते हैं। हाँ थोड़ा सा यहाँ पे को नाम लिखने के लिए जगह बच जाएगी। चलिए देखिए जो अभी तक हमने पढ़ा है उसमें अरावली पर्वत श्रेणियों के बारे में पता चला, ठीक। अरावली के नीचे ये जो है ये ठीक है, ये है विंध्य पर्वत श्रेणी, विंध्यांचल। ठीक है ये क्या है, विंध्यांचल पर्वत श्रेणियां। तो ये जो है ना इन दोनों के बीच का जो रीजन है, देखिए अरावली और विंध्यांचल के बीच, ठीक है अरावली और विंध्यांचल के बीच का जो रीजन है ये क्या है, मालवा का पठार है। ठीक है ये क्या है, मालवा का पठार। कहां पे को लिखूं इसको, चलिए इसको ऐसे ही लिख देता हूं। हाँ ये आया इधर, ये हो गया, ऐसे ही दिखा देता हूँ। ये क्या है, इसको मैं यहाँ पे को लिख देता हूँ, हाँ मालवा, ठीक मालवा का पठार, चलिए मालवा लिख देता हूँ, पठार तो आप लोग समझ ही जाओगे। इतना रीजन जो है ये क्या है, मालवा का पठार है। ठीक है तो अरावली और विंध्यांचल के बीच का जो रीजन है उसको क्या बोलते हैं, मालवा का पठार बोलते हैं। तो कहां से कहां तक आ जाएगा ये मालवा का पठार, मालवा का पठार आ जाएगा अरावली और विंध्यांचल के बीच का रीजन। ठीक किसके बीच का रीजन, अरावली और विंध्यांचल, और विंध्यांचल पर्वत श्रेणी जो है, विंध्यांचल पर्वत श्रेणी विंध्यांचल के बीच का हिस्सा, ओके ठीक बीच का क्षेत्र, क्षेत्र लिखेंगे ना तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, लगेगा कि हाँ हम लोग हिंदी लिख रहे हैं। अब बीच का हिस्सा लिखूंगा तो फिर थोड़ा सा लोकल टाइप की हो जाती है ना, तो इसलिए हम अच्छे से लिखेंगे अरावली और विंध्यांचल के बीच का क्षेत्र। ठीक है ये क्या है, मालवा का पठार है। तो देखिए मालवा की जो मुख्य नदी है वो कौन सी है, मतलब वैसे तो मालवा में बहुत सारी नदियां हैं ठीक है, लेकिन जो मुख्य नदी है मालवा की, ठीक है मालवा वाले रीजन की जो मुख्य नदी है वो कौन सी है, मुख्य नदी ठीक कौन सी है, चंबल। सुना था कभी पुरानी मूवीज में होता था चंबल के डाकू, ठीक है जो डाकू होते थे वो चंबल वाले रीजन में अपना क्या बनाए रखते थे, घर बनाए रखते थे ना, जैसे याद होगी आपको शोले देखी थी, वहां पे को जो गब्बर था, गब्बर कैसी जगह में रहता था, खूब सारे पत्थर होते थे वहां पे को, हाँ तो ये कुछ उसी टाइप का है कि जो मालवा का पठार है ठीक है उसकी मुख्य नदी क्या है, चंबल। और चंबल के नदी के आसपास का जो रीजन है ना तो वहीं उन लोगों ने, वो लोग क्या क्या करते थे अपना मतलब उनका अड्डा होता था वो एक तरीके से ठीक है। तो मालवा का जो पठार है उसकी मुख्य नदी कौन सी है, चंबल। देखिए चंबल नदी जो है ना मालवा से निकलती है और ऊपर की तरफ बहती है, ये मालवा से निकलेगी और कहाँ को जाएगी, ये मालवा है यहाँ से निकल के ये ऊपर की तरफ जाएगी और यहाँ पे को उत्तराखंड से क्या आ रही होगी, यमुना इस तरीके से आ रही होगी, तो यहाँ से निकल के कहाँ पे को मिल जाएगी, यमुना से मिल जाएगी, ये कुछ इस तरीके से यहाँ से क्या आ रही होगी, यहाँ से ये इस तरीके से मान लीजिए कि आई,
यमुना आई, इसके ऊपर में गंगा होगी, यमुना और गंगा, ठीक है, यमुना और गंगा का मिलन ये इलाहाबाद के पास हो जाएगा। तो यहाँ पे को क्या, ये जैसे मान लीजिए क्या है, यमुना है, ठीक है, तो क्या होगा ना, ये जो चंबल नदी है वो मालवा के पठार से निकल के कहाँ जाके मिल जाती है, ये यमुना से मिल जाती है, ये क्या होगी, चंबल नदी होगी। ठीक है, चंबल नदी किससे मिल जाएगी, मालवा के पठार से निकलेगी और कहाँ मिल जाएगी, यमुना से मिल जाएगी, ठीक है। और ये जो मालवा का पठार है ना, इसी को क्या बोला जाता है, उर्मिल का पठार भी बोला जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, यहीं पे को लिख देता हूँ, हाँ अब नीचे नोट्स में क्या लिखूँ, यहीं पे को लिख देता हूँ, ठीक है, उर्मिल, मालवा के पठार पठार को ही क्या बोला जाता है, उर्मिल का पठार भी बोला जाता है, ठीक, ये हो गया। उसके बाद आएगा क्या, छोटा नागपुर का पठार, तो कहाँ पे को है, छोटा नागपुर का पठार, चलिए पहले मैप में दिखा देते हैं, हाँ फिर उसके बाद आगे को करते हैं। ये दिख रहा है आप लोगों को, ये येलो कलर से, ठीक है, ये है क्या, छोटा नागपुर का पठार, छोटा चेतन, जब स्टार्टिंग में मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा था ना, तो मैंने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था कि छोटा नागपुर का पठार, तो मैं बहुत लंबे टाइम तक ना बड़े नागपुर का पठार ढूंढता था कि अगर ये छोटे नागपुर का पठार है तो फिर बड़े नागपुर का पठान पठार कहाँ पे को होगा। ये पठार बोलते वक्त मेरे मुंह से हमेशा पठान निकलते हैं, और सच बताऊँ मुझको बड़े नागपुर का पठान आज तक नहीं मिला, सॉरी पठार, ठीक है, ये है छोटे नागपुर का पठार, छोटे नागपुर का पठार, ठीक है, ये क्या होगा, छोटे नागपुर का पठार होगा, ठीक है। अब छोटे नागपुर का जो पठार है उसकी कुछ मुख्य बातें, चलिए उसको नीचे लिख देते हैं। अब क्या आएगा इसमें, छोटे नागपुर का पठार, तो मालवे बोल रहा हूँ, मालवा का जो पठार है उसमें दो ही चीज़ें हैं फिर, मतलब वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो मेन मेन चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, अरावली और विंध्याचल के बीच का रीजन हो गया, मुख्य नदी क्या है, चंबल। तो अगला हमारा क्या बनता है, छोटे नागपुर का पठार, छोटा नागपुर या फिर छोटे नागपुर कुछ भी लिखो, चलो छोटा नागपुर, हाँ छोटे नहीं, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का पठार। तो इसकी मुख्य बातें क्या क्या है, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार, बाकी मैप में तो आप लोग लोकेट करते जाना है, जितना आप लोग मैप में लोकेट करोगे उतना बढ़िया रहेगा। तो देखिए छोटा नागपुर का जो पठार है ना, ये बेसिकली ये झारखंड वाले रीजन में है, ठीक है, मुख्यतः लिख रहा हूँ, हाँ मुख्यतः, मुख्यतः कौन से वाले रीजन में है, मुख्यतः ये झारखंड वाले रीजन में है, झारखंड वाला जो एरिया है ना, झारखंड, झारखंड में स्थित है। अब देखिए मुख्यतः ये झारखंड में स्थित है, लेकिन ठीक है कट छट के ये और भी रीजन में है, जैसे छत्तीसगढ़ में भी ये मिलेगा आप लोगों को, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, परंतु परंतु मुख्यतः कहाँ पे को है, झारखंड में स्थित है, परंतु छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ यार क्या बोलते ना, आप लोगों में से कोई अगर जो भी छत्तीसगढ़ से हैं वो मुझको एक चीज बताना कि इसका नाम छत्तीसगढ़ क्यों पड़ा। तो जितने भी लोग छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ के लोकल हैं, तो उनकी जो लोकल हिस्ट, ठीक है, लोकल हिस्ट्री, लोकल ज्योग्राफी होती है छत्तीसगढ़ की, हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो आप लोग मुझको ये जरूर बता देना कि इसका नाम छत्तीसगढ़ क्यों पड़ा, इसका जो एग्जैक्ट रीज़न है वो क्या है इसका नाम छत्तीसगढ़ का पड़ने का, ठीक है। जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड को देवभूमि बोला जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें बोला जाता है, तो कुछ ना कुछ लॉजिक होता है पुराणों का, वेदों का, ठीक है, तो वैसे ही हो, मैं ये छत्तीसगढ़ का क्या रीज़न है वो मेरे को आप लोग बताना, ठीक। छत्तीसगढ़ हो गया, ओडिशा हो गया, ठीक है, ओडिशा हो गया,
पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है, यहाँ तक भी क्या है, ये छोटा नागपुर का पठार जो है वो फैला है, मीन्स कि लंबे रीजन में हो है, ऐसा नहीं कि एक छोटे से रीजन में ही होगा। हाँ, जो मुख्य भूमि है, मुख्यतः जो बोला जाता है वो झारखंड में स्थित है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है, एक दे रखा है आप लोगों को झारखंड, दूसरा दे रखा है गुजरात, तीसरा आप लोगों को दे रखा है कर्नाटक, चौथा आप लोगों को दे रखा है क्या इधर आंध्र प्रदेश, तो ऐसे केस में तो क्या होगा, झारखंड आप लोग टिक कर लोगे। अब लेकिन अगर ऐसा दे रखा है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और एक कुछ और भी दे रखा है, फिर लिख रखा है केवल एक दो, केवल एक दो तीन, केवल एक, इस तरीके से, तो फिर ये तो सभी बनेंगे, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है, राज्यों तक विस्तृत है, राज्यों तक, ठीक है, तक विस्तृत है, विस्तृत है, ठीक है, आप लोग खुद ही लिख लोगे, चलो लिख ही देता हूँ यार, आप लोगों को भी कष्ट नहीं होगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल राज्यों तक क्या है, विस्तृत है। अब देखिए झारखंड की राजधानी कहाँ पे को है, आप लोगों को पता होगा, झारखंड की जो राजधानी है, ठीक है, वो कहाँ है, ये है, ठीक है, झारखंड की राजधानी है रांची, रांची। तो देखो ये क्वेश्चन नहीं है कि झारखंड की राजधानी कहाँ है, क्वेश्चन ये है कि झारखंड की जो राजधानी है रांची, ये किस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, झारखंड की राजधानी है रांची और ये किस नदी के तट पर स्थित है, ये है स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है, नदी के तट पर स्थित है, कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, पर स्थित है। क्वेश्चन इस तरीके से बन जाएगा, निम्नलिखित राजधानियों में से कौन सी राजधानी स्वर्ण रेखा के तट पर स्थित है, तो क्या होगा, रांची, रांची किसके तट पर स्थित है, स्वर्ण रेखा के तट पर, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये जो झारखंड वाला रीजन है ना, यहाँ पे को धात्विक और अधात्विक खनिज दोनों पाए जाते हैं, ये इतना जो रीजन है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे को क्या है, धात्विक और अधात्विक खनिज दोनों पाए जाते हैं, तो इसलिए ना इसको भारत का रूर प्रदेश भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, भारत का रूर प्रदेश, ठीक, आप लोगों ने देखा होगा ना ये वैसे तो ये वाला जो रीजन है ना, इधर देखो मैं आप लोगों को दिखा रहा, ये हो गया, ये क्या बोलते कि इधर पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, नीचे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये वाले जो रीजन है ना, ये खनिजों से समृद्ध है, ठीक है, तो यहाँ पे को धात्विक और अधात्विक दोनों तरीके के खनिज पाए जाते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा जो वो मूवी थी, ठीक है, जैसे KGF हो गई, ठीक है, उसमें जो खदान वगैरह थी, और ये सब इसी रीजन पे है, साउथ की मूवी थी ना वो, तो सब ये इसी रीजन का हो गया, ठीक, सलार में उसी टाइप की खदान दिखाई थी, सलार थी, सालार थी, जो भी है मतलब, ठीक। तो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर क्या है, स्थित है, और यहाँ पे को धात्विक और अधात्विक खनिज दोनों पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या बुलाता है, छोटा नागपुर का जो पठार है उसको भारत का रूर प्रदेश भी बोला जाता है, ठीक है, भारत का रूर प्रदेश किसको बोला जाता है, रूर प्रदेश किसको बोला जाता है, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर के पठार को, ठीक, क्या बोला जाता है, भारत का रूर प्रदेश भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये छोटा नागपुर का पठार हो गया, उसके बाद इधर पे को ये आ गया मेघालय का पठार, ये जो है ना, ये क्या है, मेघालय का पठार, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मेघालय का पठार, ठीक। अब देखिए मेघालय का जो पठार है, इसकी मुख्य बातें क्या क्या है, देखिए ये जो मेघालय का पठार है ना, एक चीज ध्यान से अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को एक चीज पता चलेगी, मैंने इन दोनों को मैंने येलो कलर से दिखाया है, ठीक है, किसको, छोटे लिख दिया मैंने यहां पे, छोटा होगा, हाँ, ये जो छोटा नागपुर का पठार है
और ये जो मेघालय का पठार है, इसको मैंने दोनों को येलो से दिखाया। क्यों? क्योंकि ये जो मेघालय का पठार है ना, ये कोई अलग नहीं है, ये छोटा नागपुर के पठार का ही क्या है, भाग है। अब बीच में मैंने कल आप लोगों को बताया था ना पिछले लेक्चर में, कि ये जो बीच की जो जमीन थी वो इस तरीके से धस गई। जैसे मान लो ये जमीन होगी तो ये धस के इस तरीके से बीच में धस गई, और वहां पे को क्या बन गया, बांग्लादेश वाला जो हिस्सा है वो बन गया। तो ये जो रीजन है इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को, ये जो रीजन है इसको क्या बोलते हैं, मालदा, मालदा, मालदा गैप इसको बुलाते हैं, मालदा गैप इसको बुलाते हैं। ठीक है, तो ये बांग्लादेश वाला रीजन आ गया। फिर यहाँ से जैसे गंगा नदी आई, ब्रह्मपुत्र नदी आई, तो नदियों का जो का भराव भी यहाँ पे को क्या होते गया, बनते गया। फिर वक्त के साथ साथ क्या हुआ कि वो नदियों द्वारा जो ठीक है, कंकड़ पत्थर का जमाव होते गया, बड़े बालू हो गया, रेत हो गया, इन सारी चीज़ों का, मिट्टियों का, मिट्टी का, इन सारी चीज़ों का जमाव हुआ, तो वो जमाव होते होते ये पूरा बांग्लादेश वाला हिस्सा बन गया। तो बीच से क्या हो गया, ये छोटा नागपुर का पठार यहाँ लग गया, और ये वाला जो पठार बन गया वो मेघालय का पठार बन गया। ठीक, हुआ ये एक ही, यहाँ से लेके ये पूरा एक ही हुआ। बीच में क्या हो गया, धसाव होने के कारण ये वाला हिस्सा अलग हो गया, तो हम इसको मेघालय का पठार बोल देते हैं। ठीक है, अदरवाइज क्या है, वो एक ही चीज़ है, मेघालय का पठार और छोटा नागपुर का पठार एक ही है। तो क्वेश्चन ऐसा भी बनता है, निम्नलिखित पठारों में से कौन सा पठार छोटा नागपुर के पठार का एक भाग है, और चार पांच पठार आप लोगों को दे देंगे। तो क्या है, मेघालय का पठार, ये मेघालय का पठार क्या है, छोटे नागपुर का जो पठार है उसी का क्या है, एक भाग है। ठीक, मेघालय का पठार, मेघालय का पठार, ठीक, छोटे नागपुर का जो पठार है उसी का क्या है, एक भाग है। किसका भाग है, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर के पठार का भाग है, नागपुर के पठार का, नागपुर के पठार का भाग है। ठीक, मेघालय का पठार क्या है, छोटे नागपुर के पठार का भाग है। अब यहाँ पे को जो मेघालय का पठार है ना, उसमें पश्चिम से पूर्व में कुछ पहाड़ियाँ हैं जो मैंने आप लोगों को बताई थी शायद पिछले वीडियो में भी, जैसे गारो हो गई, खासी हो गई, जयंतिया हो गई। ठीक है, ये पहाड़ियाँ हैं। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया, ये सारी पहाड़ियाँ, इनका जो क्रम है, आप लोगों का होमवर्क क्या है, देखिए आप लोगों का होमवर्क, HW लिखते थे कभी बचपन में क्लास वर्क के लिए, CW लिखते थे, डेट डालते थे ना। चलिए वैसा ही काम करते हैं, मजा आएगा इसको करने में। तो ये तो क्लास वर्क चल गया आप लोगों का। तो जो आप लोगों का होमवर्क है, होमवर्क क्या है आप लोगों का, कि गारो, खासी, वैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया है, ये देख लेना एक बार, खासी, जयंतिया, जयंतिया, ठीक है, मिकिर, ये जो पहाड़ियां हैं इनको आपने मैप में दिखाने हैं, और बाकी पश्चिम से पूर्व में क्रम ऐसा ही है, यही क्रम है, पहले गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया, फिर सबसे पूर्व में मिकिर, सबसे पश्चिम में गारो। ठीक है, क्रम तो मैंने लिख दिया है, बाकी मैप में आप लोग दिखाना, ये आप लोगों का क्या है, होमवर्क। तो ठीक है, अगर दिवाली के बाद भी ये होमवर्क करोगे तो चलेगा, वैसे भी दिवाली चली रही है, दिवाली की छुट्टियों में होमवर्क समझ लेना इसको। ठीक है, ये हो गया ना। उसके बाद हाँ, यहाँ पे को ना एक बड़ा फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, ये मेघालय का जो पठार है ना ये वाले हिस्से में, तो वो जो फेमस राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम क्या है। ठीक है, क्या है उसका नाम, उसका नाम है नोकरेक। वैसे तो और भी हैं, ठीक, नोक जो, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है ना, वो इम्पोर्टेंट है, वहाँ के राष्ट्रीय उद्यान वगैरह सब लिख लेना, क्योंकि अभी देखो जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ ऐसे हर हिस्से को पढ़ेंगे तो हर हिस्से में आते जाएंगे, तो वैसे ही कवर हो जाने। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान
कहाँ पे को है ये? ठीक, गारो हिल्स, गारो हिल्स, गारो हिल्स मेघालय में स्थित है। ठीक, मेघालय, नोकरेक कहाँ पे को हो गया? मेघालय में हो गया। और कभी कभार ना जो स्टेट के एग्जाम होते हैं उसमें डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, हाँ, कि नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे को है, या फिर इस तरीके से पूछ लेंगे। तो कहाँ पे को है ये? मेघालय गारो हिल्स में है। ठीक, और यहीं पे को ना दुनिया का सबसे ज्यादा औसत वर्षा वाला स्थान भी है। ठीक, विश्व का, विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा वाला स्थान, मेरे लिखने तक याद करो, सोचो जरा क्या था वो, विश्व का। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक, सर्वाधिक औसत वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक औसत, औसत वर्षा वाला स्थान। ठीक है, वर्षा वाला स्थान क्या है, याद आया कुछ? मानिसराम, मानिस, मानिस होता है, मासिन होता है, सॉरी मानिस नहीं होता है, मासिन होता है शायद, हाँ मासिन होता है, मासिन राम। ठीक, मासिन राम, ये विश्व का क्या है, सबसे ज्यादा औसत वर्षा वाला स्थान है क्या, मासिन राम। और ये कहाँ पे को है? ये है खासी हिल्स में। कहाँ पे को? खासी हिल्स में। ठीक, कहाँ पे को है? खासी हिल्स में है। ठीक, तो ये क्या थी कुछ? ठीक है, मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंदर ये था। अब देखिए, मध्यवर्ती उच्च भूमि हुआ, उसके बाद चार और हैं हमारे, तो मैं कोशिश करूंगा कि दो एक में कवर करूं, दो एक में कवर करूं। ठीक, और यहाँ पे को ना कुछ और भी प्लेट्यूज हैं, उनके नाम लिख लेते हैं, हाँ कल हम लोगों को अगला जो लेक्चर है उसमें थोड़ी सी आसानी होगी। तो देखिए, मैप में इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी आप लोगों की। कुछ चीज़ें तो क्लियर है कि ये है अरावली पर्वत श्रेणी और ये है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। अरावली और विंध्याचल के बीच का जो हिस्सा है ये क्या है? मालवा का पठार हो गया। ये जो हिस्सा है ना, ठीक है, मैं ये जो मैंने आप लोगों को ठीक है येलो कलर से दिखा रखे हैं, ये हिस्सा है क्या? दक्कन का पठार। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दक्कन का पठार, दक्कन का ठीक है पठार। ये हिस्सा क्या है? दक्कन का पठार। ये हिस्सा क्या है? ठीक है, उसके जस्ट नीचे वाला जो हिस्सा है ये क्या है? ये है, ये जो ग्रीन कलर से दिखा रखा है, कर्नाटक का पठार। इसको क्या बोलते हैं? कर्नाटक का पठार। ठीक है, उसके बगल में जो है ये रेड कलर से दिखा रखा है, ये है तेलंगाना का पठार। ठीक है, तेलंगाना का पठार, ठीक हो गया, तेलंगाना का पठार। और यहाँ पे को जो दिखा रखा है ना ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये है दंडकारण्य, दंडकारण्य पठार। बोलने में तो बड़ी दिक्कत है, इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, हाँ, दंडकारण्य पठार। ठीक, सो ये है हमारा मैप। ठीक, तो अब दो पार्ट एक में कवर करूंगा, दो पार्ट एक में कवर करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों के समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।